आज मुंबई में जोरों की बारिश हो रही है और मेरे यहाँ तो दोपहर के राइस भी बचे हैं, तो सोचा आज गुजराती स्टाइल भात ना भजिया बनाओ। तो इस तरह से बनाए गए राइस पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनता है, क्रिस्पी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो भात ना भजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप पके हुए चावल लिए हैं, उसी के साथ मैंने पहले आधा कप दही ऐड किया है और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो दही थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने आधा कप और ऐड किया है और इसे अच्छे से मिला लेंगे और ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए रहने देंगे। अब 10 मिनट के बाद हम उसी के साथ हरा धनिया ऐड करेंगे और 1/4 कप जितनी बारीक कटी हुई मेथी ऐड करेंगे। 1 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी ऐड करेंगे। 1 कद्दूकस किया हुआ गाजर ऐड करेंगे और 1 बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड करेंगे। 1/4 कप चावल का आटा ऐड करेंगे और 1/4 कप सूजी ऐड करेंगे। अब उसी के साथ हम 1/2 कप बेसन ऐड करेंगे, अदरक मिर्ची की पेस्ट ऐड करेंगे और 1 नींबू का रस ऐड करेंगे। स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी, आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर और आधी टीस्पून भुना जीरा पाउडर ऐड करेंगे। और मुझे इसमें थोड़ा सा मीठा टेस्ट भी पसंद है तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून चीनी ऐड की है और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हींग ऐड करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो मिलाने के बाद मुझे बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था तो 2 से 3 टेबल स्पून जितना बेसन ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब बैटर को ढक्कन लगाकर 5 से 10 मिनट के लिए रहने देंगे ताकि सूजी इसमें फूल जाए। अब पकौड़ों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर RRO प्रीमियम मूंगफली का रिफाइंड ऑयल लिया है, क्योंकि इसमें फ्राई किया हुआ खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। और ये तेल आपको डीमार्ट, स्टार बाजार, रिलायंस स्टोर और कोई भी नज़दीकी किराना स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। और इसमें आपको फिल्टर ऑयल भी मिलेगा और मस्टर्ड ऑयल भी मिल जाएगा। तो लिंक और फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ पर भी देख सकते हो। अब तेल गर्म हो रहा है तब तक हम बैटर के साथ सोडा ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 चुटकी जितना सोडा ऐड किया है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पकौड़ा बनाने के लिए बैटर रेडी है। तो गर्म तेल में हम इस तरह से पकौड़ा बना लेंगे। और सच में दोस्तों, इस तरह से बनाया गया पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनता है और क्रिस्पी बनता है। तो हमें एक ही बात का ध्यान रखना होगा कि बेसन हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो पकौड़ा क्रिस्पी नहीं बनेगा। अब इसे उलट पलट करके हम गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक फ्राई करेंगे। और आप बारिश में क्या बनाना पसंद करते हो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गैस की आंच मध्यम रखेंगे तो 1 बैच को फ्राई होने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर हमारा भातना भजिया रेडी है। तो इसे हम तेल से निकाल लेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा भजिया बहुत ही क्रिस्प और अच्छा बना है। तो दोस्तों, आज की आसान सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इधर में फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।